Yes. चाचा का लुक कैसा लगा? Deadly. विलेन के सामने नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गदर 2 बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, लेकिन उस दौरान सनी देओल ने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था। लेकिन अब उनके बेटे राजवीर देओल की फिल्म आ रही है, जिसका नाम है दोनों। और इस मौके पर सनी देओल ने खुलकर बात की है सोशल मीडिया पर, और राजवीर देओल की फिल्म दोनों के साथ ही उन्होंने एनिमल फिल्म पर भी खुलकर बात की है। और सनी देओल को बॉबी देओल को देखकर क्या रिएक्शन था, ये उन्होंने खुद बताया। दोस्तों, हाल ही में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनिमल का टीजर आया था और ये फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सनी देओल और राजवीर देओल ने एनिमल में बॉबी देओल के किरदार को लेकर बात की है। तो पहले कि आपको ये बता दें कि बॉबी देओल कई सालों से फ्लॉप चल रहे थे, उनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, उनको सिर्फ छोटी मोटी फिल्मों में ही काम मिलता रहा। इसके बाद फिर बॉबी देओल ने ब्रेक लिया, फिर उन्होंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। उन्होंने सभी किरदार निभाए और अलग अलग किरदार निभाए, खासकर तो कई सारे नेगेटिव किरदार भी निभाए। इसमें आश्रम के गुरुजी वाला करेक्टर प्रमुख है, और एनिमल फिल्म में भी वो एक खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एनिमल में वो एक सकारात्मक भूमिका में है, और सिर्फ नेगेटिव करेक्टर नहीं है, बल्कि वो रणवीर कपूर के अपोजिट इस फिल्म में वो विलेन भी है। और जब राजवीर देओल से पूछा गया कि एनिमल का टीजर देखा, फिर उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा। फिर राजवीर देओल से पूछा गया कि लुक आपको कैसा लगा, राजवीर देओल ने कहा बेहद ही खतरनाक। राजवीर देओल कहते हैं चाचा का ऐसा लुक मैंने कभी नहीं देखा। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल से भी ये पूछा गया कि उनको बॉबी देओल का लुक कैसा लगा। सनी देओल का कहना था कि मेरा भाई बॉबी देओल इतना खतरनाक विलन बना है कि इसके बाद हीरो उनके सामने आने से डरेंगे। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की फिल्म दोनों आ रही है। फिल्म में राजवीर देओल के साथ पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा ढिल्लो भी है, और इस फिल्म में राजवीर देओल के साथ पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा भी है, इसी फिल्म से डेब्यू कर रही है। और इस फिल्म को सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश ने इसे डायरेक्ट किया है, और ये उनकी भी पहली फिल्म है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा देओल परिवार राजवीर देओल की फिल्म दोनों में प्रमोशन में जुटे हुए हैं, और ये फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आपका बॉबी देओल के इस लुक पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।